Good morning, dear children. Welcome back to Grade 7 Hindi online class. Today we are going to learn lesson 2. Fill in the blanks, ling and vachan, number and gender. Do you remember the story? What is the topic lesson 2? Paropakari. Do you remember all? What is the meaning of paropakari? Benevolent. Means one who is helping others. Who was helping here in this lesson? Rishi Tadichi. She has done the great thing, isn't it? For welfare of others, he has sacrificed his life. Do you remember the story? Yes, I think you would remember because story won't forget, no? So, I am telling today it is in Hindi. Can you understand? Try to understand, okay? परोपकारी कौन था? परोपकारी तदी ऋषि तदीचिता. परोपकारी कौन है? परोपकारी ऋषि तदीचिता. एक दिन वन डे ऋषि तदीचि सरस्वती नदी के तट पर तप कर रहा था. एक दिन वन डे ऋषि तदीचि वॉज मेडिटेटिंग बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती. उधर किसने आया? हु केम देयर? वहाँ देवेंद्र, देवास एंड देवेंद्र उधर आ गए. देवेंद्र उधर किसके? तदीची के सामने खड़े हुए. देयर व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम हु केम? देवेंद्र के. तब ऋषि आंख खोल कर देखा. ही ओपन्ड हिज आईज एंड लुक्ड हिम. ऋषि ने देवेंद्र को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ. प्रसन्न मीन्स हैप्पी. ही बिकम वेरी हैप्पी. और ऋषि ने उनको स्वागत किया. व्हाट्स मीन स्वागत? वेलकम. स्वागत किया. ही वेलकम्ड हिम. हु वेलकम्ड होम? तदि ऋषि तदीचि ने किसको? इंद्रा को, देवेंद्रा को स्वागत किया. ऋषि तदीचि वेलकम्ड देवेंद्रा. ओके. उसने उससे पूछा, मेरे पास जो कुछ है उसे आप अपनाइए. वॉट एवर आई हैव एक्सेप्ट दिस लेदर इज इट. एंड यू वॉज वेरी हैप्पी. उसने बहुत प्रसन्न हुए. देन उसने कारण पूछा उधर आने का. उसने कहा कि देवेंद्र सेडू ऋषि योर बेनेवोलेंस योर परोपकार इस देवलोक तक वह परोपकार की प्रशंसा देवलोक तक है. देवलोक टिल देवलोक देवलोक यूर द बेनेवोलेंस इज फेमस. सो फॉर हेल्प आई केम हियर. और एक सहायता के लिए आपके सामने आया हूँ. फॉर हेल्प आई केम हियर. सहायता के लिए मीन्स फॉर हेल्प आई केम इन फ्रंट ऑफ यू. ऋषि सेड व्हाट हेल्प आई हैव टू डू. इंद्र ने संगुच्छाते हुए कहा. ही संगोच. संगुचाते मीन्स वॉट ए संगोच साइड एंड साइड. ऋषिवर आप जानते ही हैं कि असुरों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. इस साइड इन द टाइम द डेमन्स द क्रूयल डेमन्स क्रूयल्टी डे बाय डे इंक्रीजिंग. सो यू हैव टू सेव अस फ्रॉम हिम. फ्रॉम द डेमन्स नेम इज वृत्रासुर. ही वॉज वेरी स्ट्रांग. सो यू हैव टू protected from him. So for that we came for a help. So in that time उसने तदीचि ने कहा, ऐसे आदमी को मारने से कोई पाप ना होगा. He said like that people one who is disturbing others उनको दंड देना पड़ेगा. they must get the punishment. In that time, he said, he directly did not say who. Devendra directly he did not ask the help. First he is telling everything, and he is from his mouth he is getting something. He can do at that time only he is telling. So it is very difficult to ask, no, to others life. They are going to ask his life. If he leave his life only, they can collect his bones, no. So इसलिए उसने देवेंद्रा ऋषि से कहा क्या हो रहा है. वॉट इज हैपनिंग देयर.
what he is doing, the Vritrasra, Daman, what he is doing. If he kill only, उनके मारने से ही उनसे बचा सकते हैं. If they kill him only, they can save their life, otherwise cannot. This incident they said to Rishi, at once he also accepted that we have to kill the person. At last he said, when he said this, after he said this, you can do with you, you can, you only can do this. In that time he asked, he said, आपके हड्डी से बनाया अस्त्र से ही उसे मार सकता है. आपके हड्डी से मीन्स विथ योर बोन विच वेपन इज मेकिंग विद दैट ओनली वी कैन किल हिम. आइदर ही सेड एट वंस ही वॉज स्माइल्ड एंड ही सैट एंड ही ब्रीथ आउट इज लाइफ वेंट. दे हैव कलेक्टेड द बोन्स, द हड्डियां इकट्ठा करके दे ले गए. सो ऐसा तदीची दूसरों की सहायता के लिए अपना जान छोड़ दिया. डू यू अंडरस्टैंड? फॉर अदर्स हेल्प ही हैज लेफ्ट हिज लाइफ, ही लिव हिज लाइफ. सो लाइक दिस वी हैव टू डू समथिंग टू अदर्स. वन, वी हैव टू गेट फेमस, वी हैव टू डू समथिंग. ओके, लाइक तदीची. सो वी वोंट डू लाइक दिस, but the great people will do something like this. So we have to do what we can do to others help. Okay, we have to do that, then only we can get fame. God, if we do something to others, God will help us. If we help others, God will help us. So okay, so you have to, everyone have to help. This moral of the story is that only the welfare of others, we have to do something, we have to help. Okay, so I think you will be remember this story, you will also help others. Next day, today we are going to learn about this sentence making, not sentence making. Next class I'll give fill in the blanks, ling and vachan. Fill in the blanks, ling and vachan. Children, I think would have read the lesson. For reading purpose only giving this lesson. You have to read at least one para every day. If you read, the reading practice will come, otherwise won't. So meanings, fill in the blanks, whatever I am giving in the booklet, you have to study. Okay, now listen here. Rikta sthanon ki poorti kijiye. What's meaning? Rikta sthanon ki poorti kijiye, fill in the blanks. Okay, Rishi ke mukh par anokha tej tha. This where it came, when the when he is left his life, in that time the face was very bright. When he was sad to leave his life, his face was very bright. It was looking wonderful. Rishi ke mukh par anokha tej tha. Rishi means saint, mukh means face, anokha means wonderful or strange, tej means the fierceness. Okay, force. Rishi ke, another meaning is fast. Rishi ke mukh par anokha tej tha. Rishi ke mukh par anokha tej tha. Okay, Rishi ke mukh par anokha tej tha. His face was very bright also, can take. Next लेसन, देवलोक में त्राही त्राही मची हुई. देवलोक में त्राही त्राही मची हुई है. देवलोक वर्ड्स में देवलोक, देवलोक हेवन विल से देवलोक में त्राही त्राही, त्राही त्राही मीन्स बचाओ बचाओ. देवा वेर द देवलोक मीन्स नॉट ओनली हेवन, दिस विल से वेर द देवास वेर लिविंग. देवलोक में त्राही त्राही मची हुई है. त्राही त्राही बचाओ बचाओ, बचाओ मीन सेवस सेवस, प्रोटेक्ट इज प्रोटेक्ट इज. त्राही त्राही द साउंड वॉज देयर. देवलोक में त्राही त्राही मची हुई है. नेक्स्ट वन, तदीची पर अपूर्व शांति और प्रसन्नता थी. तदीची पर अपूर्व शांति, अपूर्व मीन्स वेरी पीस, अपूर्व शांति और प्रसन्नता, हैप्पीनेस. वेन ही आस्क्ड हिज लाइफ इज बोर्न. If one die only, we can take their bones, isn't it? So here Tadichi, when the Devendra asked him bone, his face was, he was very quiet and his face was very brightness, happiness. Shandi aur prasannadati. Next, devtaon ne haath jodkar paropakari rishi Tadichi ko pranam kiya. After collecting the bones, they have joined their hand and wished him. देवताओं ने, देवास हाथ जोड़कर, जॉइन देयर हैंड्स
and paropakari, the benevolent Rishi, Tadichi, given, they wished to them, wished to him. देवताओं ने हाथ जोड़कर परोपकारी सदिचि को प्रणाम किया। आई डू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट लिंग बदलिए, महाराजा महारानी। डू नो व्हाट इज लिंग? लिंग मींस द मेल जेंडर। एक्चुअली लिंग बदलिए मींस चेंज द जेंडर। लिंग बदलिए चेंज द कॉमन वर्ड। इफ देयर सपोज इज देयर इज मेल यू हैव टू राइट फीमेल। Suppose there is female, you have to write male. Here the male word given, you have to write the female word. Now listen, Maharaja Maharani. Maharaja Maharani means king, queen. Maharaja Maharani. Actually emperor, pererasi. Rakshas demon, the wife of demon is Rakshashi. Rakshas, Rakshashi. Okay, Rakshas. What's the letter? This Iksha. Rakshas, Rakshashi. Next Indra, this Indra, see Indra, E Indra, Indra, this Samyuktakshara, Indra, Indrani, Indra's wife is Indrani, Indra, Indrani. Do you understand this one? Next link, you know, you must know this, change the gender. Gender means male, female, okay. Male means pulling, female strilling. Male pulling, female strilling. In Hindi, male pulling. Female is strilling. Malayalam it is same. Pulling strilling. Okay, pullingam strilingam will say. Maharaja Maharani, Rakshas Rakshashi, Indra Indrani. Now listen here this. Vachan badalo. Vachan badali. Change the number. Number, if we say change the number, you will say 1, 2, 3. But number, common word is number. Change the number. Change single. If there is singular, you have to write plural. If there is plural, you have to write singular. Listen here. Devata. 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 देवताये देवता देवताये। नेक्स्ट नदी नदिया नदी नदिया अस्ति अस्तियां। नाउ लिसन देवता व्हाट्स द वर्ड देवता मींस देवास देवताये। नेक्स्ट एक्चुअली दिस इज गिवन लाइक दिस देवता मींस देवदेहल विल से ओके हियर द देवास ओनली द अटरलिंग सो वर्ड इज अ फीमेल वर्ड सो देवताये। नेक्स्ट नदी नदियां रिवर रिवर्स नदी नदियां रिवर रिवर्स अस्ति अस्तिया अस्ति अस्तिया मीन्स बोन बोन्स अस्ति अस्तिया। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके यू हैव टू राइट इन द बुकलेट दिस वन दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस लिंक एंड दिस वचन बदले यू हैव टू राइट इन द बुकलेट एंड यू हैव टू स्टडी। ओके चिल्ड्रन एवरी डेज पोर्शन यू स्टडी वेल दिस वर्ड देवता देवता ये नदी नदियां अस्थि अस्थियां बोन बोन्स एवरी डेज पोर्शन डोंट फॉरगेट यू स्टडी एवरी डे इफ यू स्टडी एवरी डे यू कैन रीड वेल। नेक्स्ट यू हैव टू राइट होमवर्क हैंड राइटिंग बुक इज देयर आई थिंक यू हैव टू राइट वीकली टू पेजेस हियर आफ्टर आई वोंट टेल यू हैव टू राइट वीकली टू पेजेस एंड सैटरडे यू हैव टू सबमिट। ओके कैन यू डू ऑल? ओके आई थिंक आई होप यू विल डू वी कैन मीट इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।